शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पहले इसे। चाचा जी आप खाइए ना। बेटे लो, पहले पतिदेव को। चलो चलो, पहले बुजुर्गों को खाना चाहिए। आप इसे अपने हाथ से खिलाओ। अच्छा जी, मैं खुद अपने हाथ से खा लूंगा, मैं कोई बच्चा थोड़ी। मुझे मालूम है, थोड़ी देर पहले आप बुजुर्गों वाली बातें कर रहे थे ना। बेटी एक पूरी उठाओ और डालो इस मुंह में। चलो चलो डालो ना, उठाओ पूरी, उठाओ। शाबाश, उठाओ पूरी, डालो इस मुंह में। शाबाश कैलाश, बेटे अब तुम्हें से अपने हाथ से खिलाओ। मैं बाद में खा लूंगी। नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो, चलो बैठो बैठो बैठो, चलो खिलाओ बेटे, खिलाओ ना। शाबाश शाबाश। देखो बेटे, जी तो जानवर भी लेते हैं, लेकिन इंसान उसी को कहते हैं जो समझदारी से जी सके। और समझदारी की परख तभी होती है जब एक दूसरे के साथ बर्ताव करना पड़ता है। इस हिसाब से शादी इंसान की समझदारी का सबसे बड़ा टेस्ट है, क्योंकि इसमें बर्ताव ही दूसरे करना पड़ता है। जो इस टेस्ट में फेल हो जाए, वो चाहे एटम बम भी बना ले, फिर भी समझदार नहीं कहा जा सकता। बोलो, कहा जा सकता है? कहा जा सकता है? अब बात आई समझ में। अच्छा, अब मेरे लिए परोसो। हाँ, एक बात और, एक साल के अंदर अंदर इस घर में एक नई किस्म की रौनक होनी चाहिए, वरना मेरे दो शरारती बच्चे हैं, उन्हें यहाँ लाके छोड़ जाऊंगा। है ना, अब तुम दोनों इसमें खाओ और मैं इसमें खा लेता हूँ। शाबाश, चलो खाओ खाओ। वाह वाह वाह, दोनों में सुलह हो गई। नमस्ते सर। सर, वर्कर्स की तनख्वाह बढ़ा दी और उन्हें 3 महीने का बोनस भी दे दिया। वर्कर्स बहुत खुश हैं और आपसे भी दुआएं मांग रहे हैं। क्या नाम है? क्या बात है आशा, मछली की उम्मीद नहीं? आशा, अपने आप को संभालो, रोने से क्या फायदा। आशा आशा, सहेली से इतना प्यार। आ मेरे साथ, एक एक कप कॉफी पीते हैं, सब ठीक हो जाएगा। नहीं कॉफी नहीं, आइए मेरे पास बैठे ना, बातें कीजिए। करो बातें। आप बताइए। क्या बताऊं? अपने बारे में, अपने कारोबार के बारे में, फैक्ट्री के बारे में, फॉर्मूले के बारे में। क्या जानना चाहती हो? आप फॉर्मूला कहाँ रखते हैं, फैक्ट्री में या घर में? आशा, ये जिम्मेदारी चाचा जी की है, मैंने इस बात की कभी परवाह नहीं की। तो क्या बिजली बन जाने के बाद अब फॉर्मूले की बिल्कुल कीमत ही नहीं रही? ये बात नहीं आशा,
जिस फार्मूले की मदद से हम बिजली बनाते हैं आज वो सारी दुनिया हमसे खरीदना चाहती है, और अगर कल ये फार्मूला किसी दूसरे के हाथ लग गया तो वो खुद बिजली बनाने लगेगा, फिर हमसे कौन खरीदेगा? क्या सोच रही है? कुछ नहीं, कुछ तो सोच रही है। अच्छा, फार्मूला इतना कीमती है तो आप उसे अपने पास क्यों नहीं रख लेते? कल से अपने पास रख लें? तुम्हारे पास रख लूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो आशा तुम कुछ परेशान हो, आराम करो, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। आशा, क्या बात है? जब से उस घर में गई हूँ आठ आधा सो रो रही हूँ, हर सुबह हर शाम को जलील की गई लेकिन सहती रही, लेकिन अब पानी सर से ऊंचा हो गया है। कैलाश के इतने हिम्मत, आज तक मैंने उसे प्यार ही प्यार दिखाया, लेकिन मैं अब उन्हें बताऊंगी कि औरत को नागिन क्यों कहते हैं। कैलाश को अपने नई जात के फॉर्मूले पर बहुत घमंड है ना, मैं उसके घमंड को चूर चूर कर दूंगी। हाँ, मगर वो फॉर्मूला तो मुझे बचाने के लिए उन बदमाशों को दिया जा चुका है। वो असली नहीं, नकली था। अच्छा? हाँ, असली फॉर्मूला तो कैलाश की तिजोरी में है, उसकी एक चाबी मेरे पास भी है, मैं वो फॉर्मूला गायब कर दूंगी। आशा, दिल के कहते हुए डरता हूँ, सोचता हूँ तुम मुझे कहीं गलत न समझ बैठा हो। जीवन, कहीं हम एक दूसरे को गलत भी समझ सकते हैं, जो दिल कहता है कहो, कहो ना। आशा, दिल तो ये कहता है कि तुम्हारी शादी एक भूल थी, जिसकी सजा तुम भी भुगत रही हो और मैं भी, लेकिन ये सजा भुगतते रहना उससे ही बड़ी भूल है। आशा, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे पास चली आओ। हाँ आशा, मैं कैलाश जैसा धनवान तो नहीं, लेकिन मेरे सीने में ऐसा प्यार भरा दिल है जो कैलाश को इस जन्म में नसीब नहीं हो सकता। जीवन, क्या सचमुच तुम्हारे दिल में मेरे लिए वही मोहब्बत है? आशा, जहर खाकर मोहब्बत का सबूत दे चुका। जीवन आशा, तुम्हारा जीवन, ओ जीवन, इस जन्म में नहीं, हर जन्म में आशा, हर जन्म। तिजोरी से वो फॉर्मूला लेकर तुम उसके साथ क्या करोगे? कैलाश की फैक्ट्री में जो बुढ़ा साइंटिस्ट है ना, उनके दो छोटे छोटे बच्चों को वही बदमाश उठा ले गए हैं जो तुम्हें ले गए। अच्छा, लेकिन क्यों? उसी फॉर्मूले के लिए, कहते हैं फॉर्मूला ना मिला तो वो लोग बच्चे को जान से मार डालेंगे। उनकी ये मजाल, मैं उनका खून पी जाऊंगा। ना ना ना, मैं तुमको वहां जाने नहीं दूंगी। एक बार पहले अपनी खातिर मैं तुम्हारी जान खतरे में डाल चुकी हूँ। अरे मगर उन बच्चों को तो बचाना होगा। आशा, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वो लोग उन बच्चों को उसी जगह पर ले गए होंगे जहाँ तुम्हें ले गए थे? यकीन है, अब मैंने तो उस अड्डे का रास्ता भी देख लिया। अच्छा, तो क्या तुम उनको खबर भेज सकते हो कि वो लोग बच्चे लेके आ जाए, मैं फॉर्मूला उनके हवाले कर दूंगी। क्यों नहीं, मगर उन्हें बुलाएगा? कैलाश के घर के पीछे वाले जंगलों में रात के 12 बजे, जब कैलाश गहरे नींद में सो रहा होगा और सोता रह जाएगा, और जीवन अपनी आशा को लेकर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाएगा। ओ जीवन, कब ये रात आएगी, कब 12 बजेंगे, मैं तो बेचैन हो रही हूँ। आशा, मेरी आशा। अब नहीं, रात को। गुड आफ्टरनून, ईस्टर्न एक्सपोर्टर्स। नहीं नहीं, कोई बात नहीं मिसेस शर्मा, एक मिनट। अरे तू तो अकेली हंसी जा रही है, क्या कह रही है? घर बुलाया है, जीजू नहीं लगता। हाँ बेला, अच्छा मैं आधे घंटे के अंदर आता हूँ। 20 मिनट में? अच्छा, 15 मिनट के अंदर निकलता हूँ। अरुणा,
क्या तुम समझती हो तुमसे दूर रहना मुझे अच्छा लगता है? कभी कभी तो जी चाहता है सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे सामने बैठा रहूं, बस तुम्हें देखता रहूं। लौटा काशीनाथ जी। ब्रदर, ईस्टर्न एक्सपोर्टर आजकल सिर्फ ईस्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या मतलब? वही टेलीफोन। शर्मा जी ने 40 बरस की उम्र में शादी करके पूरे दफ्तर को बारात बना दिया। रोज घंटे में 2 घंटे टेलीफोन होता है। घंटे में 2 घंटे? ये कौन सा हिसाब हुआ? अरे पंजू मन, इस किसी हिसाब में आया है? बॉस की सूरत से मालूम होता है कि उसमें इतना रस है। ओए बाबा, क्या कह रहे? धत तेरी की लाइनें कट गई। तुम आ गए? उठो गा। चलो मुंह हाथ धो लो, याद नहीं आज दावत पे जाने। अभी तो बहुत वक्त है, गीत अधूरा रह जाए तो अच्छा नहीं होगा। गाओ। मुझे बहुत दुख होता है, इन्हें मैंने अच्छी तरह से गाना सीखा। जितना सीखा उतना ही बहुत है मेरे लिए। अरुणा, उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो ऐसा मालूम होता है जैसे आदमी उसके लायक नहीं। मैं बताऊं, ऐसी बातें तुमने कहां से सीखी? कहां से सीखी? सीखी भी नहीं, चुराई है मेरी बातों से। तैयार खाने के लिए। विश्राम करते। सुनो, आज हम न जाए तो? कैसी बातें करते हो? ना गए तो बदनामी होगी, वो क्या सोचेंगे? सोचेंगे क्या, ज्यादा से ज्यादा हंस देंगे, कहेंगे नई नई शादी हुई है, निकले होंगे तो एक दूसरे की शक्ल दिख गई होगी। नहीं नहीं, तुम्हें चलना ही पड़ेगा। ब्लाउज को हफ्ते लगा दो। तुम्हें ऐसे रहना चाहिए जैसे तुम शादी के पहले थे। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? भूख लग गई है, अब मैं चाहूं भी तो वैसे नहीं रह सकता। पहले मैं कहता था ये सब कार व्यवहार मर्द ही से चलते हैं, बीच में ये औरतें क्या करती फिरती हैं। और अब सोचता हूँ ये मर्द क्या बकवास है। जानती हो ना, पहले क्लब और पार्टी ही मेरी जिंदगी थी, अब तो भीड़ से मुझे सख्त घबराहट होती है। क्यों? भीड़ में जाकर मैं तुम्हें खो बैठता हूँ। जाओ जाओ, सब बहाना है सुस्ती का। चलो भले मनस बनकर चलो। सरला सरला जी, बहुरानी चलो चलो घर संभालना, शायद हमें देर हो जाए। और हाँ, खिड़कियां भी बंद कर देना, कहीं बारिश ना आ जाए। अच्छा चलो। आज न जाए तो? न गए तो बदनामी होगी। कलम और सिगरेट, 4 से ज्यादा नहीं पीना। सच कहता हूँ ना, अगर तुम ना हो। बस बस, बहुत हो चुका, चलो दफ्तर को देर हो जाएगी। सुनो, यही को छोड़ के तो नहीं जा रहे हो ना? नहीं तो सोच लो। हेलो, मैं शर्मा बोल रहा हूँ। आप नहीं पहचाना ना?
मैं हूँ शांता। अब ईश्वर के लिए ना पूछिए कौन शांता। क्या कह रही हैं आप, भला मैं आपको भूल सकता हूँ? आपकी शक्ल साफ मेरी आंखों के सामने है, सिर्फ आवाज कुछ भारी भारी है, जैसे रात भर लड़ती रही हूँ अपने मियाँ से। देखा ना अजी, मैं खुश नसीब हूँ, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई, साफ पता चल गया आपने नहीं पहचाना। मैं हूँ अरुणा की सहेली शांता। ओ हाँ, याद आया, शांता जी। अच्छा बोलिए तो, इतना घमंड किस बात का? साहब शादी सब करते हैं, और शादी के बाद बात भी सब करते हैं। आप सरासर भूल कर रही हैं शांता जी, न तो मुझे घमंड हुआ है न ही मैं बाप बनने वाला हूँ। छिपाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, आप तो यूं ही अंधेरे में तीर चला रही हैं। तो ठीक है, शर्त लगा लीजिए। हार जाइएगा कोई परवाह नहीं। बोलिए कितनी बाजी? जो चाहे, 100, 200, 1000। तो तुम हार गए, रुपए लेके जल्दी घर आ जाओ। अरुणा, अरुणा सुनो भाई, अरुणा, अरुणा। साहब, सॉरी मिस्टर शर्मा, मैं उन्हें बचा ना सका। तो नहीं जा रहे हो ना? सरला, क्यों तुम इसको मेरे सामने लाती हो? क्या और दुनिया में कहीं कोई जगह नहीं इसके लिए? गुड मॉर्निंग डैड, सुबह की सैर के लिए जा रहा हूँ डैडी। आप ही ने तो कहा था सुबह सुबह सैर अच्छी होती है। क्या ये भी मैंने कहा था कि सुबह सैर के डेढ़ बजे रात को 9 बजे आना, कभी आधी रात को आना, और कभी अगले दिन सैर जाने के वक्त घर लौट कर आना।
क्या चोरों की जिंदगी बना रखी है तुमने? डैडी आजकल चोरों के पीछे तो मैं भागता। क्या मतलब? मैंने नौकरी कर ली। क्या कहा? नौकरी? हाँ डैडी, 3 महीने में मैंने सीआईडी में नौकरी कर ली। दिमाग तो नहीं फिर गया है तुम्हारा? नौकरी का क्या मतलब हुआ, और वो भी सीआईडी में? आज पुश्तों से हम बिजनेस करते आए हैं, हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में मेरा कारोबार फैला हुआ है, और तुमने नौकरी कर ली है, क्या अंधेर है? मैं भी तो सुनूं, क्या तनख्वाह मिलेगी? 300 रुपया। 300? सर नहीं आती इतनी तनख्वाह, तो मैं अपने ड्राइवर को देता हूँ। क्या तुमने कभी ये भी सोचा कि दुनिया क्या कहेगी कि कैलाश नाथ गुप्ता का लड़का 300 रुपल्ली का नौकर है? डैडी बात रुपयों की नहीं, बात तो अपना मनपसंद काम की है, और मैं चाहता हूँ इस देश से चोरी चोरी रुपया हड़प करने वालों को गिरफ्तार करूं, स्मगलरों और चोरों को हमेशा के लिए यहां से खत्म कर दूं। डैडी उस दिन आपको मुझ पर मान होगा कि मैं आपका बेटा हूं। क्या हुआ साहब? इसकी बैटरी शायद डाउन है, आप दूसरी गाड़ी में बैठिए। साहब इसकी भी डाउन है, उस गाड़ी में चलिए। आइए साहब, रुको, माफ करना था, साहब पहले मैं गाड़ी स्टार्ट कर दूं, एक मिनट, एक मिनट। साहब इसकी भी बैटरी डाउन हो गई है। कमाल है, तीनों गाड़ियों की बैटरियां एक साथ डाउन हो गई। हाँ, क्योंकि साहब वो तीनों गाड़ियों की बैटरी एक ही कंपनी की है। चार्ज करा के क्यों नहीं रखते? अब मैं दफ्तर कैसे जाऊंगा? गोगो अगर आइंदा इसकी गलती की तो नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। क्या बात है कैलाश नाथ, गोगो को क्यों डांट रहे हो? ये तो बड़ा अच्छा लड़का है। अच्छा हो यार रमेश लामा तुम आ गए, वरना मुझे टैक्सी में जाना पड़ता, देखो ना क्या हाल है। 3-3 गाड़ियां हैं और सबकी बैटरियां डाउन है। इतना ऐसा नहीं किया करते, आओ मेरी गाड़ी में चलो, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। गोगो जी अंकल, देखो बेटा आइंदा ख्याल से काम किया करो, ऐसी गलती कभी नहीं करना। अंकल अंकल मैं आपके चरण छूना चाहता हूँ। जीते रहो बेटा जीते रहो। बच गए बेटा, नसीब से बच गया, आज तुम नहीं तो डैडी ने तुम्हारा टिकट कटवा दिया था। विजय भैया आज तो फुट्टा मारना ही था, इसलिए मैंने तीनों गाड़ी की बैटरियां डाउन करके रख दी। पर ये काम के वक्त तुमने छमछम के साथ प्रोग्राम क्यों बनाया? इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश खालिद के, लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। विजय भैया आप बात मत करिए, फौरन मेरे साथ चलिए। आपको मालूम है ना आज आपको क्या करना है? आज आप मेरे ड्राइवर और मैं आपका मालिक, जरा छमछम पे मेरा सिक्का जमा दो। फिक्र मत, एकदम जमा दूंगा। आप इनके गले नहीं लग सकते। कौन है ये? ये मेरा ड्राइवर है। हमारे साहब को गले लगाया है, मुझे भी गले लगाइए। क्या बकते हो, मैं तुम्हारे गले लगूं? तुमसे अपने तुम इसे अपने गले लगाओगे? भूल गए वो दिन, बचपन में क्या तय हुआ था? बचपन में क्या हुआ था? तो काम करेंगे, एक साथ करेंगे। डार्लिंग देखो ये तो बच्चों जैसी बात है, मामूली सी बात है, तुम एक बार इसके गले मिल जाओ। सुनो तुम एक बार इसके गले मिल सकते हो, लेकिन शराफत की दीवार बीच में रख के मिलो। ठीक है। क्या कर रहा है? इधर है, इधर। इतनी दूर से गले मिलने के लिए कितना कहा था? निकल जाओ नौकरी से। ड्राइवर साहब क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप अभी इसी वक्त मेरी नौकरी छोड़ के चले जाइए? क्या मेरे बाप, जरा समझने की कोशिश करो, पहली बार पुट्टी बताइए, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पांव भरता हूँ। क्या तुम अपने ड्राइवर के भी पैर पड़ते हो? मैं हट हट नहीं डार्लिंग, बात दरअसल ये है डार्लिंग कि मैं एक सच्चा समाधी हूँ। समाधी? मेरा मतलब है समाजवादी हूँ। मैं नौकर को नौकर और मालिक को मालिक नहीं समझता, इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं समझता। अगर मैं इसको एक तमाचा मारने का हक रख सकता हूँ तो ये भी मुझे एक मारा लात मारने का हक रखता है। तुम इसे अपने ड्राइवर कहते हो? बात दरअसल ये है डार्लिंग कि जब मेरे दादा मर रहे थे
तब इस बेचारी की दादी ने मुझसे कहा था कि मेरे गोगो का ख्याल रखना। तब से मैंने इसे इतना मुंह पे चढ़ा रखा है और ये ऐसी ऐसी हरकतें करता है। मेरी समझ में कुछ नहीं आता। माफ कीजिएगा साहब, मैं आप लोगों के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। ठीक है ठीक है, हमने तुमको माफ किया। ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने आज तक ऐसा ड्राइवर नहीं देखा। आइंदा देखोगे भी नहीं। मैं कल ही इसका हिसाब चुकता कर दूंगा। लेकिन डाली तुम मेरा भी तो हिसाब चुकता करो। अपने पिताजी के साथ, मेरा मतलब जटाधारी जी के साथ में मेरी मुलाकात करवा दो। जटाधारी जी पहला दिन। जीते रहो बेटा जी। अगर आपको मालिश का इतना ही शौक है तो आपने मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं आपकी ऐसी चंपी करता कि आपको चंपा कली बना देता। क्या? मेरा मतलब था कि चंपे की कली की तरह हल्का फुल्का बना देता। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम जैसा रईस इस गरीब फकीर की कुटिया में आए। क्या कुटिया? किंतु धरती के जिस कोने पर आप जैसा महापुरुष और छमछम जैसी हसीन कन्या रहती हो, ये तो ऐसे हुआ जैसे कि लेटेस्ट मॉडल की कार। मैंने तो फैसला कर लिया था कि शादी के बाद मैं भी इसी मॉडल में आकर रहूंगा। मैं तो सोच रहा था कि शादी के बाद तुम्हारे महल के किसी कोने में मैं पड़ा रहूंगा। हम बाबू जी को अपने साथ ही रखेंगे। वैसे आपको फ्रंट सीट पसंद है या बैक सीट पसंद है? बेटा मुझे फ्रंट सीट नहीं चाहिए, बैक सीट नहीं चाहिए। मैं तो डिक्की में काम चला लूंगा। जटाधारी जी, वैसे ये पुराना डब्बा, मेरा मतलब पुराना मॉडल कौन है? क्या रखते हो कमान संभाल कर बात करो। रईस हो गए तो अपने घर में। मेरा नाम दीनदयाल है। तो दीनदयाल जी एक दयालु काम करिए, 10 का पत्ता निकालिए, क्योंकि हम ड्राइवरों की यूनियन को चंदे की जरूरत है। हम ड्राइवर? अब मेरा मतलब है मेरे ड्राइवर की यूनियन को चंदे की जरूरत है। अरे शुभकाम में ये क्या हाथ बटाएगा? जटाधारी जी, मैं और छमछम हम दोनों वो सब काम कर चुके हैं जो आजकल के लोग शादी से पहले करते हैं। क्या क्या कर चुके? जी यही के एक दूसरे के करीब आना, एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करना, टटोलना। अब इस सिलसिले को खत्म कर देना चाहिए। ये सिलसिला खत्म होगा तब तो दूसरा सिलसिला शुरू होगा। दूसरा कौन सा सिलसिला? मेरा मतलब नया मॉडल फैमिली प्लानिंग। हाँ, ट्रांजिस्टर वाला। बेटा शुभकाम में देर नहीं होनी चाहिए। जटाधारी जी जरा मेरी बात सुनो। टाइम नहीं है, बहुत जरूरी बात है। टाइम नहीं है। क्या कर रहे हो? जटाधारी जी, इस आदमी की बातों से साफ जाहिर होता है कि ये कैलाश नाथ गुप्ता का बेटा नहीं है, ड्राइवर लगता है। ड्राइवर? गांजा तो नहीं पी के आए? आप इससे कहिए कि शादी से पहले आपको अपने पिताजी से मिला दे, सच्चाई सामने आ जाएगी। कम इन। ये अपने घर कब ले चलते हो? घर? घर किस लिए? पिताजी से मिलाने के लिए और छमछम को उन्हें दिखाने के लिए। मर गए? मर गए? नहीं, मेरा मतलब है वो महाराष्ट्र में एक गांव है ना, इसका नाम है मरे गए। मेरे पिताजी मरे गए गए हैं। मरे गए? वहां गए? लेकिन आप मेरे पिताजी को जानते? नहीं नहीं, उन्हें कभी आपने देखा? दर्शन हुए? नहीं नहीं, उनका दर्शन अभी तक हुआ नहीं। होंगे भी नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मैंने अभी तक आप लोगों को मिलाया नहीं है। पीजे, मैं और बाबूजी तुम्हारे घर बुध के दिन आएंगे। बुध और सब काम शुद्ध? हाँ जी, बुध और सब काम शुद्ध। लेकिन बुध तो बहुत जल्दी आ रहा है, बुद्धि नहीं चल रही है। लेकिन आप लोग बुध को जरूर आइएगा, जरा लेट आइएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी सो के जरा लेट उठते हैं, उन्हें उठाना पड़ेगा, उन्हें बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा? मेरा मतलब है मनाना पड़ेगा। आप लोग बुध को आइएगा, प्लीज बुध को आइए। माफ कर रहा हूँ।